हेलो एवरीवन, सो वी आर कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर वन एंड टुडे वी विल सी दिस क्वेश्चन फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द कूलम्बियन फोर्स इक्वेशन एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द इक्वेशन वेर वी आर हैविंग ओनली टू चार्जेस, मतलब एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो, और दूसरे चार्ज की वजह से पहले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका इक्वेशन हमने फाइंड किया। बट वॉट इज द केस वैन वी आर हैविंग मल्टीपल चार्जेस। सो लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री चार्ज रखा हुआ है। सो क्यू वन चार्ज का जो पोजिशन वैक्टर है वो आर वन है, क्यू टू चार्ज का पोजिशन वैक्टर है आर टू है, और क्यू थ्री चार्ज का पोजिशन वैक्टर आर थ्री है। सो हियर वी विल फाइंड द इक्वेशन of force acting on Q1 charge due to Q2 and this Q3। तो यहाँ पर Q2 और Q3 दोनों की वजह से हमें Q1 पे force लग रहा है तो वो हमें find करना है। Let us assume that this Q1, Q2 and Q3 all are positive। So यहाँ पर position vector individually charges के हमें पता है। Now Q1 पे यहाँ पे दो force लगेंगे, एक Q2 की वजह से force लगेगा और एक Q3 की वजह से force लगेगा। सो Q3, Q1 और Q2 दोनों सब तीनों ही पॉजिटिव है तो वो रिपल्सन फोर्स जनरेट करेगा। सो लेट्स से Q3 का Q1 पे फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्वियस इस डायरेक्शन में होगा तो वो यहाँ पे इफेक्ट बताएगा। तो ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि दिस इज F12, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन दिस Q1 ड्यू टू Q3। सो फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, इट इज़ इंडिकेटेड बाय दिस एफ वन थ्री, वो इस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट जब Q2 का फोर्स Q1 पे लगेगा तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे तो उसका डायरेक्शन यहाँ पे आएगा। तो हम ये डायरेक्शन एफ वन टू को इंडिकेट करेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो अभी यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं एक से ज़्यादा, तो हम कह नहीं सकते कि उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगी फोर्स की वो कहाँ पे होगी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। तो हम वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम वो फाइंड करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहाँ पे जब इंडिविजुअल फोर्स लग रहे तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो दोनों ही इंडिविजुअल फोर्स के वैक्टर समेशन जितना होगा। सो बुक में भी दिया हुआ है और मैंने ये सिंपल वे में यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखा हुआ है। व्हेन मोर देन वन, वी आर यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ दिस चार्जेस। सो व्हेन मोर देन वन कूलम्बियन फोर्स, व्हेन मोर देन वन कूलम्बियन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द चार्जेस, द रिजल्टेंट कूलम्बियन फोर्स एक्ट ऑन इट इज इक्वल टू द वैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। मीन्स we are having this F13 and F12, two individual forces, and resultant force is this F1. So resultant force is vector sum of these two individual forces। ये हमने mathematics में भी पढ़ा हुआ है और 11th science में जो physics का जो chapters था उसमें भी हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो यहाँ F1 की डायरेक्शन में जाएगा। तो हम कैसा कि यहाँ पे एक हमने डायरेक्शन बताई है कि F1 की यहाँ पे हो सकती है, वो हमें कैसा पता चलेगा। लेट्स से कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो उसको कोई इस डायरेक्शन में कोई खींच रहा है या फोर्स लग रहा है, और दूसरा कोई है वो यहाँ से खींच रहा है, तो इसकी पोजिशन कहाँ पर हो सकती है। एक फोर्स यहाँ से लगा, एक फोर्स यहाँ से लगा, तो रिजल्टेंट यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो अब ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। सो वी कैन से दैट ड्यू टू दिस F12 एंड F13, दिस इज F1 इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस Q1 इज विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड विच इज वेक्टर सम ऑफ F12 एंड F13। सो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्बियन फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड चार्ज। सो दिस विल बी द आवर टोटल फोर्स। तो हमें यहाँ पे यह टोटल फोर्स का इक्वेशन फाइंड करना है। एफ वन टू एज पर आवर
प्रीवियस लेक्चर वी कैन राइट दिस इक्वेशन F12 इज इक्वल टू के, दिस इज के विच कैन बी रिप्लेस एज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2। दो चार्ज है यहाँ पे Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर। यहाँ पे ये है, दिस इज पोजिशन वैक्टर R12 विच इज डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q1। R13 है वो Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस है और वो वेक्टर होगा इस डायरेक्शन पे, जहाँ पे ये F13 लग रहा है उसी डायरेक्शन में R13 होगा। सेम वे ये R12 की डायरेक्शन होगी जहाँ पे F12 फोर्स लग रहा है। सो दिस F12 विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर R12। तो यहाँ पे ये जब भी हम यहाँ पे वेक्टर साइन लगाएंगे फोर्स पे, हमें जब वो वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करना है तो हमें उसकी डायरेक्शन भी इंडिकेट करनी होगी। जब मैग्नीट्यूड के टर्म में हम इंडिकेट करेंगे तब वहाँ पे ये टर्म नहीं आएगी, तब सिंपली यहाँ पे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू गिव द डायरेक्शन टू द फोर्स और इफ़ यू वॉन्ट टू राइट द फोर्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द वैक्टर, वी हैव टू इंक्लूड दिस वैक्टर, वी हैव टू इंक्लूड दिस कैप। सेम वे R12 कैप को हम R12 वैक्टर डिवाइडेड बाय R12 भी लिख सकते हैं। दिस इज़ यूनिट वैक्टर R12, तो उसको हमने R12 वैक्टर डिवाइडेड बाय R12 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सो इट विल बी क्यूब। तो यही इक्वेशन को हम ये टर्म में और ये टर्म में हम कैसे भी लिख सकते हैं। दिस R12 इज सेम एज R2 माइनस R1, ये हमें प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया है। सो ये ए और ये तीनों इक्वेशन सेम ही है। सेम वे वी कैन राइट द F13 विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे F13 है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे है विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ दिस R13, तो यहाँ पे R13 कैप आएगा। सो टोटल फोर्स हमें फाइंड करना है, तो ये दोनों इक्वेशन का एडिशन करना है। ये बहुत ही सिंपल थियरी है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो आप थियरी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3, बट वॉट इफ़ वी आर हैविंग मोर देन टू चार्जेस। यहाँ पे देखो, सो दिस इज़ द केस वेर वी आर हैविंग मोर देन टू चार्जेस और उसकी वजह से यहाँ पे Q1 पे फोर्स लग रहा है। सो दिस इज़ Q2, उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा। Q4 है, उसकी वजह से फोर्स। Q5, Q3, ऐसे यहाँ पे टोटल 5 चार्ज है, उसमें से एक Q1 है, तो Q1 पे टोटल 4 फोर्स लगने वाले हैं Q2 की वजह से। एंड वी अज्यूम के ये सब पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे पे ऑब्वियस वो रिपल्सन फोर्स ही लगने वाला है। Q2 की वजह से फोर्स लगेगा, दिस विल बी F12 और वो इस डायरेक्शन में हो। Q4 की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा F14। Q3 है, उसकी वजह से यहाँ पे F13 फोर्स लगेगा, और जहाँ पे भी फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर होता है, तो इसी डायरेक्शन में R13 होगा। ये Q5 है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये F15 लगेगा। सो हियर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 इज दिस F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15। सो वी हैव टू फाइंड दिस इंडिविजुअली F12, F13, F14 एंड F15। And as per the law of superposition, we can say that total force acting on this charge Q1 is vector summation of individual forces. So from that superposition law, we can write this total force F1 is equal to this. What if we are having more than 5 charges, or if we say that we are having n number of charges? तो सेम वे दिस इक्वेशन कैन बी रिप्लेस बाय दिस। जब हमारे पास n चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस अप टू प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n चार्जेस। इफ़ वी आर हैविंग n नंबर ऑफ चार्जेस तो वहाँ पे n जितने फोर्स लगेंगे और उसको हम समेशन करेंगे जो इंडिविजुअल फोर्स का, तो उसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 विल बी कॉमन। सो दिस F12 उसको हम ये लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप।
सब में ये 1/4π0 कॉमन रहने वाला है, और जो भी फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि 1, 3 है, तो यहाँ पे Q1 और Q3 जो ये दो चार्ज आएंगे, एंड जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे Q3, तो उसका वेक्टर हम लेंगे वो उसी डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है, एंड विच इज़ R13, तो वो यहाँ पे स्क्वायर किया और यही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। जब हम F1N की बात करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए Q1 Qn डिवाइडेड बाय R1N स्क्वायर इंटू R1N। सेम वे इट कैन बी रिटन बाय दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जहाँ पे Q1 तो कॉमन है, बिकॉज कि Q1 चार्ज पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे सभी टर्म में Q1 तो कॉमन है, तो यहाँ पे भी Q1 भी कॉमन निकल जाएगा। सो Q1 डिवाइडेड बाय 4π0, दिस इज़ वेरी कॉमन टर्म, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वेरी जो होगा वो Q2, Q3, Q4 अप टू Q1 वेरी ही होगा, और डिनोमीटर में R12 स्क्वायर, R13 स्क्वायर, R14 स्क्वायर, तो आगे का ये जो टर्म है हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो जो लगेगा 2 से 1 पे जाएगा, फिर 3 से 1 पे हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, 4 से 1 पे, मतलब कि यहाँ पे हमें जो एंड पोजीशन है 1 वो तो फिक्स ही है। सो इफ़ यू राइट इन टर्म्स ऑफ दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, वी कैन राइट दिस इज द कॉमन टर्म, सिग्मा आई विल बी रनिंग फ्रॉम 2 to N, क्यू आई इंटू R1 I स्क्वायर इंटू R1 I। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, Q1 फर्स्ट टर्म अगर ये सिग्मा करेगा सभी टर्म का यहाँ पे एडिशन करने वाला है, अगर हम यहाँ पे I=2 लेंगे तो हो जाएगा Q1, ये तो कॉमन टर्म है, यहाँ पे हो जाएगा Q2 R12 कैप डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर, ये एक टर्म आ गई। नाउ अगेन यहाँ पे I=3 रखेंगे, फिर उसका एडिशन करेंगे, तो ये टर्म आ जाएगी Q1 तो कॉमन है, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी Q3 इंटू R13 कैप डिवाइडेड बाय R1 I की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 3 R13 स्क्वायर, अगेन उसका समेशन हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे I3 लेंगे, तो ऐसे ही ये पूरा इक्वेशन हम ये टर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इक्वेशन एंड दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन फाइंडिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।